तो अभी से कुछ दिन पहले WWE के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिसने विंस मैकमैन को फोर्स कर दिया था स्टेप डाउन करने से एज WWE CEO, और हमने देखा स्टेफनी मैकमैन WWE के अंदर CEO बन गई। और पूरी कहानी कुछ शॉर्ट में बताऊं ऐसी थी कि 2018-19 के आसपास विंस मैकमैन ने $3 million एक फीमेल अपने एम्प्लॉय को दिए थे उसका मुंह बंद करने के लिए। बेसिकली अगर हम लॉ की भाषा में बोले तो NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसके अंदर वो फीमेल कुछ भी बातें नहीं बता सकती क्योंकि उसने अग्रीमेंट साइन कर लिया विंस मैकमैन के साथ, जो भी उनके बीच में सेक्सुअल चीज़ें हुई हैं वो बाहर नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद से WWE के अंदर चीज़ें काफ़ी हिल गई थी। विंस मैकमैन को सभी ने अलग नज़र से देखा था और देख रहे हैं अभी, लेकिन अब सिचुएशन और भी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। उस टाइम पर WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी एक इन्होंने कमेटी बनाई जहां पर उन्होंने कहा कि वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि एक्चुअली विंस मैकमैन के साथ प्रॉब्लम क्या है। बट अब जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं वो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा बुरी और विंस मैकमैन को सीरियस ट्रबल में लाने के लिए हैं। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल, जिन्होंने पहले भी इस वाली पूरी चीज़ को सामने निकाला था कि कुछ ऐसा सीन चल रहा है WWE के अंदर विंस मैकमैन और ये सारी बातें चल रही हैं, उन्होंने नई रिपोर्ट निकाली और उन्होंने ये कहा कि विंस मैकमैन जो कि इतने टाइम से WWE कंपनी के CEO रहे हैं, ये जो उनका पूरा सीन चल रहा है हश मनी स्कैंडल का, यानी कि पैसे देकर मुंह बंद करवाना और सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना, ये सिर्फ एक के साथ नहीं था बल्कि चार के साथ था। और पिछले 16 सालों के अंदर $12 million विंस मैकमैन ने मुंह बंद करवाने के लिए अलग अलग लोगों को दिए, या फिर मैं कहूँ अलग अलग उन पर्सनालिटी उन लोगों को दिए जिनके साथ विंस मैकमैन के सेक्सुअल रिलेशनशिप थे। तो ये तो मैंने आपको मोटा मोटा ऊपर से सब कुछ बता दिया, अगर मैं आपको इसकी डिटेल में बताऊंगा तो ये कुछ ऐसी बात है जो कि मैं चैनल पर बोलूँ भी किस तरीके से वो मेरे लिए काफ़ी अजीब है, तो ये वीडियो करना मेरे लिए भी डिफरेंट हो रहा है, मैं सही बताऊँ तो आपको। तो जो सबसे पहले उन्होंने रिपोर्ट बताई यहाँ पर, वो कहते हैं कि $7.5 million का सेटलमेंट करते विंस मैकमैन अपने फीमेल, इस बार एम्प्लॉय नहीं, एक फीमेल रेसलर के साथ में, जो कि डिफरेंस है यहाँ पर। अगर आप सोचो कि अगर मैं फीमेल एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ तो वो कोई ऐसी फीमेल भी हो सकती है जो कि रेसलर ना हो, बैक स्टेज WWE की काम करने वाली क्रिएटिव टीम के अंदर, या फिर प्रोडक्शन किसी चीज़ को देखने की, या फिर WWE के अंदर तमाम तरीके की जॉब है आपको पता है। रेसलर को तो हम सिर्फ टेलीविजन के ऊपर देखते हैं, बिहाइंड द सीन WWE कंपनी को रन करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। तो वो हो गया फीमेल एम्प्लॉय जिसकी हमने अब तक बात सुनी थी, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है फीमेल रेसलर की जिनके साथ 2005 में कुछ सेक्सुअल एनकाउंटर्स की बातें आई विंस मैकमैन की तरफ से। एंड सबसे ज़्यादा हिला देने वाली बात यह है कि विंस मैकमैन ने उस फीमेल रेसलर को ओरल सेक्स के लिए फोर्स किया था। इवन फिर बात ये भी आई कि जब वो फीमेल जो रेसलर है उन्होंने आगे सारी चीज़ों को करने से मना किया तो फिर वो कंपनी से चली भी गई। और उसके बाद अब क्या होता है, 2018 के अंदर उस फीमेल रेसलर और उसके लॉयर ने विंस मैकमैन को अप्रोच किया इन सारी चीज़ों को लेकर। तो विंस मैकमैन ने उस टाइम पर $7.5 million दिए थे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के तहत, और कि ये जो सारी चीज़ें वो अंदर ही रहनी चाहिए और हम इस चीज़ को बाहर नहीं निकालेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक केस है, एक रिपोर्ट है जो कि विंस मैकमैन के लिए आई है इस पूरे जो स्कैंडल चल रहा है उसको लेकर। इसके बाद एक और जो अनरिपोर्टेड डील है विंस मैकमैन की, वो है WWE के कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, जो कि अगेन WWE के अंदर एक एम्प्लॉय रही है। तो यहाँ पर उनके पास जो है विंस मैकमैन की न्यूड पिक्चर्स थी और विंस मैकमैन ने उनको सेक्सुअली हैरेस किया, तो इस वजह से $1 million जो है विंस मैकमैन ने उनके साथ एक NDA साइन किया था। तीसरा केस और है यहाँ पर जो कि 2006 का है, यहाँ पर एक फॉर्मर मैनेजर जो कि WWE में 10 साल से विंस मैकमैन के लिए काम कर रही थी, सेक्सुअल रिलेशनशिप उनके भी थे विंस मैकमैन के साथ में, और अगेन यहाँ पर $1 million फिर से विंस मैकमैन ने दिए थे एक और NDA साइन करने के लिए। तो ये कुल मिला के 3 केस हो गए, और चौथा केस जो कि हमने 2018-19 का मैंने आपको बताया था जो सबसे पहले विंस मैकमैन को लेकर आया था कि विंस मैकमैन ने जो है $3 million दिए थे, इवन उस फीमेल एम्प्लॉय का प्रमोशन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ और एंड में जो है उसके साथ NDA डील साइन हो गई जिसके बाद जो है वो कंपनी से चली भी गई। अब मैं आपको एक सीन बताता हूँ यहाँ पे, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हो कि क्या विंस मैकमैन के अगेंस्ट में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली हैं, क्या ऐसे कानून के लपेटे में वो आ रहे हैं। तो देखो NDA एग्रीमेंट जो होता है वो होता ही इसलिए है कि हम दो पार्टीज बीच में डील साइन कर रहे हैं और वो डील ऐसी है कि वो बाहर नहीं जानी चाहिए। तो अगर लीगली देखा जाए तो जितना मुझे पता है शायद विंस मैकमैन को यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर मैं ये कोर्ट कचहरी के मामलों की बात करूँ, या फिर जैसे अगर कोई बंदा ऐसे करेगा तो आपको पता है इसकी सज़ा काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन क्योंकि NDA हुआ है, दोनों पार्टीज़ ने अग्रीमेंट किया है म्यूचुअली डिसाइड करके, तो फिर अगर लॉ के हिसाब से देखा जाए तो विंस मैकमैन यहाँ पर सेफ साइड पर है। लेकिन विंस मैकमैन कोई नॉर्मल बंदी नहीं है, विंस मैकमैन कंपनी चलाने वाले रहे इतने टाइम से, WWE कंपनी के मालिक हैं। तो ऐसे में अगर किसी मालिक के ऊपर जो कि ऑलरेडी इतनी बड़ी पर्सनालिटी है उसके ऊपर ऐसे बड़े बड़े एलिगेशंस लगते हैं, और क्योंकि अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी चल रही है ये किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे और एक्चुअल में ये जो सारी चीज़ें हैं ये अगेंस्ट जाती है विंस मैकमैन के, तो ये चीज़ हो पाना
इम्पॉसिबल है कि इतने बड़े बड़े कांड करने के बाद कोई बंदा अपनी इस बड़ी पोजीशन को होल्ड कर पाए, क्योंकि फिर मेंटालिटी ये रहती है कि इस कंपनी का बॉस तो वो है जिसने ये कांड किए थे। तो भले ही यहाँ पर अगर लीगली देखा जाए तो विंस मैकमैन को शायद कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके पास सारे एनडीए के अग्रीमेंट है, क्योंकि एक पॉइंट पर उन चारों ही फीमेल्स ने इस बात पर अग्री किया है कि हम इस बात को बाहर नहीं लाएंगे। और इवन मैं तो ये कहूंगा कि एनडीए क्योंकि उन्होंने साइन किया और अगर उनकी तरफ से बातें बाहर आती हैं तो एक्चुअल में उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने एनडीए को ब्रेक कर दिया यहाँ पर, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो साइन हुआ था। तो एनडीए कुछ ऐसी खतरनाक चीज़ है, मतलब अगर एक बार साइन कर लिया तो फिर बस इस चीज़ को जो है बाहर आउट नहीं करना है। ये काफ़ी अलग अलग चीज़ों में होता है, मैंने आपको बताया, जैसे दो पार्टीज आपस में डील कर रही हैं, कोई बहुत ही एक सीक्रेट प्रोजेक्ट उनका चल रहा है और वो ऐसा तो मुँह से कहेंगे नहीं कि भाई किसी को बताना मत, क्योंकि आपको पता है कोर्ट में तो जबान सुनी नहीं जाती, पेपर्स पर क्या लिखा हुआ था उस चीज़ की वैल्यू होती है। तो इसलिए जो दो पार्टीज हैं आपस में एनडीए साइन कर लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, इस बात को हम प्राइवेट ही रखेंगे जब तक हम कुछ कर नहीं लेते बड़ा या फिर ऐसे कुछ, ये काफ़ी सारी जगह होता है। तो ये सीन है विंस मैकमैन को लेकर कि एनडीए उन्होंने साइन कर लिया कि ये चीज़ें बाहर ना जाएं, और इसलिए जो पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसको इन्वेस्टिगेट कोई क्रिमिनल अथॉरिटी नहीं कर रही कि भैया पुलिस वाले आकर कर रहे हैं या फिर ऐसे देख रहे हो, WWE के खुद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कर रहे हैं, क्योंकि ये बात पूरी WWE कंपनी की है और वो ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या विंस मैकमैन के ऊपर ये सारी चीज़ें हुई हैं या फिर नहीं, मतलब उन्होंने सारी चीज़ें करी हैं या फिर नहीं। इवन जब ये दूसरी रिपोर्ट आई सामने तो WWE ने इंटरनल जो एक मैसेज दिया अपने लोगों को कि हाँ हम इस पूरी सिचुएशन से अवेयर हैं कि एक बार दूसरी बार अब जो है विंस मैकमैन के ऊपर ये एलिगेशंस लगे या फिर ये बातें जो है सामने आ रही हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जो एलिगेशंस आ रहे हैं ना ये एलिगेशन की फॉर्म में नहीं आ रहा है, बल्कि ये फैक्ट्स के तौर पर आ रहा है कि एक्चुअल में ये चीजें विंस मैकमैन ने करी हैं, क्योंकि उसको बैक करने के लिए कुछ बातें हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के पास में, जिसको लेकर वो अपने सोर्स को बहुत ऑथेंटिक मान रहे हैं कि हाँ ये चीज़ होगी। और ये बात है भी, क्योंकि WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो ये बात पहले से पता था, इवन ये बात बाहर बाद में आई वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से। तो क्लियरली यहाँ पर विंस मैकमैन बहुत बड़ी ट्रबल में है, और मुझे ये बात क्लियरली पता लग रही है कि अगर एंड में जो सारे कंक्लूजन है वो आ गए विंस मैकमैन के अगेंस्ट में, तो डेफिनेटली दिस इज द एंड ऑफ विंस मैकमैन एज WWE का बॉस जिसे हम देखते हैं या फिर CEO देखते हैं। हाँ भले ही पैसों के मामले में कंपनी को होल्ड करेंगे, लेकिन कई बार आपको पता है ऐसे बिजनेस रन हो रहे होते हैं जिसका मालिक पता नहीं कौन है, हमें नहीं पता, लेकिन उसको जो लीड करता है वो CEO होता है या फिर जो उस समय ऑपरेशनल काम कर रहा है उस कंपनी के लिए। तो सिर्फ विंस मैकमैन का नाम रह जाएगा कि हाँ विंस मैकमैन के इस WWE कंपनी में पैसे हैं, बाकी शायद फिर उसका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसा क्यों हो सकता है, मैं कह रहा हूँ ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर फैंस को या फिर WWE की ऑडियंस जो कि उस कंटेंट को कंज्यूम कर रही है, जब ये बात सामने आएगी कि इस कंपनी का बॉस ऐसा जो कि स्टिल एक्टिवली वहां पर काम करता है, तो इससे WWE की ब्रांड इमेज पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। इवन आपको पता नहीं है WWE के जो सुपरस्टार्स हैं जब कभी उनको लेकर भी ऐसे एलिगेशंस लगते हैं तो WWE इंस्टेंटली उनका सस्पेंशन निकाल देती है या फिर उनको टेम्परली ऐसे कंपनी से गायब कर देती है, क्योंकि इसको लेकर कंपनी की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। लेकिन जब यहाँ पर बात आती है CEO की तो आप सोच सकते हो कि WWE इस चीज़ को लेकर कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी। तो ये काफ़ी हिला देने वाली चीज़ है, मतलब ये एक्सपेक्टेड बहुत सारे लोगों के लिए है। अगर मैं आपको देखूं इंटरनेट के ऊपर बैन विंस मैकमैन, फायर विंस मैकमैन ऐसे करके जो हैशटैग चल रहे हैं, सारे लोग विंस मैकमैन के अगेंस्ट होंगे। तो ये यहाँ पर पूरी स्टोरी है। डेफिनेटली अभी इसके बारे में मुझे तो नहीं लगा था इतनी जल्दी कुछ पता चलेगा, लेकिन ये काफ़ी कुछ जल्दी पता चला। कुछ और भी आएगा तो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, और बाकी ऐसी सारी चीज़ों के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रेसलिंग की बातें होती हैं ज़्यादातर एंटरटेनमेंट की, बट ये कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल है तो आई थिंक आप तक भी ये बात पहुँचनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो ये लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।